मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कभी मुझे नंगा भूखा कहते हैं, कभी एक्टर तो कभी नारियल लेकर घूमने वाला कहते हैं। कमलनाथ बता दें मुझे कब क्या करना चाहिए, कब लेटना चाहिए, कब बैठना चाहिए। शिवराज ने कांग्रेस की इसे घटिया सोच बताते हुए कहा कि नंगा भूखा कहना ये जनता का अपमान है, क्या किसी का एक्टर कहकर मजाक उड़ाना उचित है। शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को एक्टर कहकर मजाक उड़ाना क्या उचित है। शिवराज ने कहा, कमलनाथ कहते हैं मैं शाहरुख खान सलमान खान को मात करता हूं, मैं इतनी बार मुख्यमंत्री विधायक सांसद रहा, मुझे भूखा नंगा कहा जा रहा है, मैं जनता का सेवक हूं और इस तरह मजाक उड़ाना आम जनता का अपमान है। कमलनाथ बता दे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कब लेटना और कब बैठना चाहिए। वास्तविकता में ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, कांग्रेस व्यक्तिगत आरोप लगाती है, क्या इनकी भाषा शैली ठीक है। शिवराज ने कहा उन्होंने कोरोना काल में कई योजनाओं का शिलान्यास किया, तो साथ नल जल योजना और करोड़ों के टेंडर निकाले हैं, ऐसे ही नारियल नहीं फूटता और ये फोकट में नहीं, वे पैसे का इंतजाम करके कर रहे हैं। ऐसा वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये कमलनाथ जी बता दें मुझे, लेट हूं कि बैठूं, नंगा रहूं कि भूखा रहूं, कभी संपत्ति के नाते, ये कांग्रेस की घटिया मान सकता है जो व्यक्तिगत घटिया आरोप पर उतारू है। नंगा भूखा कहना ये वास्तव में आम जनता ही का अपमान है। मैं तो 5 बार मध्य प्रदेश से सांसद रहा, 5 बार से विधायक हूं, 4थी बार मुख्यमंत्री हूं, क्या नंगा भूखा कहना उचित है, क्या किसी का मजाक उड़ाना एक्टर है, शाहरुख खान को मात करता है, कभी सलमान खान को मैं मात कर देता हूं, कि ये भाषा शैली ठीक है, कभी नारियल ही फोड़ता रहता हूं। अरे आज ही देख ले कांग्रेस, ये कोरोना काल में 107 नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया पैसों के माध्यम से, फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वैसे ही नारियल फोड़ रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए की और नल जल योजना स्वीकृत की है, 6,000 के टेंडर हो गए, ये फोकट में नहीं कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करके कर रहे हैं। शिवराज ने जन संबोधन में कहा कि आज भी वास्तव में भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये सच है कि शहरों का विकास हो रहा है पर असली भारत गांव में बसता है। शिवराज ने कहा मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं, लालटेन में पढ़ाई करता था क्योंकि बिजली नहीं होती थी, आज हमने हर गांव में बिजली पहुंचाई है। उन्होंने कहा 2018 में बड़े बिल माफ किए गए, संबल योजना के तहत गरीबों को 200 रुपये में बिजली देने का काम किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि बिजली का बिल गरीबों को ज्यादा ना आए। अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांवों में, आज की बात समय भारत की आत्मा अगर बसती है तो गांव में बसती है। मैं भी गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा हूं, हमने अपनी पढ़ाई लालटेन में पूरी की, चिमनी लालटेन, क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती थी, अब बिजली के बिना गांव अधूरे थे। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हर गांव को, गांव के हर घर को बिजली देने का अभियान चला और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गांव गांव में हमने बिजली पहुंचाई, घर घर में हमने बिजली पहुंचाई, गरीबों को सस्ती बिजली मिले, इसका अभियान हमने चलाया। 2018 में बिजली के बड़े बिल हमने माफ किए, संबल योजना बना के गरीबों को अधिकतम 200 रुपये में बिजली देना सुनिश्चित किया था। अभी जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो कुछ जगह बिजली के बड़े बड़े बिल आए थे, हमने वो बड़े बिल स्थगित कर दिए और सुनिश्चित किया कि बिजली का बिल गरीबों का ज्यादा ना आए।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।